ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वजीर आजम इमरान खान के ही हवाले से और राहदारी बॉर्डर के हवाले से, जो एक अच्छा इकदाम किया गया है और एक अमन की आशा जो है दोबारा से कायम की गई है। और इमरान खान साहब ने मुर्गियों के हवाले से भी कारोबार का कहा है, उसका भी बड़ा चर्चा हो रहा है आजकल। लोग हर चीज को मतलब ना तनकीद का निशाना बना लेते हैं लोगों ने, अब इस तरह के हम देख रहे हैं क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, मुर्गियां बहुत महंगी हो रही हैं, इस तरह से आप क्या कहते हैं? उन्होंने सिर्फ तनकीद बराए तनकीद जिसको कहा जाता है, ये वो चीज़ है। इमरान खान साहब ने खुद अपने किसी स्पीच में कहा था कि ये बात अगर कोई बाहर वाला कहे तो वो कहते वाह वाह वाह। उन्होंने इन सेंस, इस सेंस में कहा था कि कारोबार, लोग कहते हैं ना कारोबार करने के लिए पैसा होना जरूरी है। मतलब उन्होंने अब देखे, अब एक आपको छोटी सी मिसाल दूं, यही मुर्गियों और अंडों वाली बात बिल गेट ने कही थी। अच्छा, बिल गेट ने कही थी कि जी गरीबी खत्म करने के लिए जो है हम लोगों में मुर्गियां और अंडे और ये और वो देंगे, तो पूरी दुनिया ने उसको सराहा था, वाह वाह जी बिल गेट ने क्या तो आइडिया पेश किया है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी गरीबों को कोई सहारा देने की कोशिश की है तो वो एक मजाक बना के उन्होंने रख दिया, जबकि मजाक तो वो खुद बने हुए हैं पब्लिक के सामने, और अभी इनका जो मजाक बनेगा ना कोई करे ना करे, लेकिन अब अल्लाह की भी पकड़ आ गई है, अब अल्लाह की भी पकड़ आ गई है, अब जो ये मजाक बनेंगे ना पब्लिक के सामने, वो तो सबके सामने नजर आ रहा है, जो कुदरत बनाएगी इनको, तो असल मजाक वो होगा, ये नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो कह दूं ये जिस तरीके से पेवस थे पूरे हर डिपार्टमेंट में मुल्क में सरदारी और ये बारी बारी जो थे, इनका जो प्रोग्राम था और जिस अंदाज से हुकूमत चल रही थी, जो रौनक जो फिरौनियत थी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज था, जैसा कंवर साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने इसकी पकड़ की, नोबडी इन ऑन द अर्थ कुड हैव रिमूव्ड देम एक्सेप्ट अल्लाह ताला, जिसने देखा कि जैसे हजरत अली का कॉल है कि जी कुफ्र की हुकूमत चल सकती है लेकिन नाइंसाफी की हुकूमत, नाइंसाफी की नहीं, बेशक। तो ये चीज है कि ये दिस इज अ डिवाइन एक्शन, एंड अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें मजीद सख्ती आए और इस मुल्क की बेहतरी आए। सही है, गुर्बत का खात्मा, बेरोजगारी का खात्मा इसी तरह मुमकिन है ना। अब लोग ये तो नहीं है कि लोगों को घर दे दिए जाएं, रोजगार भी लगा के दे दिया जाए, मेहनत करेंगे आगे तो ही उनको उसका फल मिलेगा। सही, सब कुछ हो सकता है, समझे, देयर इज द विल, क्योंकि इमरान खान की विल है, उसका पक्का इरादा है, अब वो जिस जहां तक जा सका, जब तक जहां कर सका, वो अपना हिस्सा निभा जाएगा, अपने आप को मनवा जाएगा। अच्छा, जिस हद तक भी आ सका। सही, ये नहीं कि ये 50 लाख घर 5 साल में बन जाएंगे, ये नहीं कि ये, लेकिन अगर उसका हिस्सा ही बन गया और एक चीज शुरू हो गई, तो फिर मैं आपको बताऊं अवाम पर जो कोई और आएगा ना, अगर वो हैंकी फेंकी करेगा तो फिर अवाम ही उनको उठा के ऐसे फेंकेगी कि वो उनको अपना पता भी नहीं चलेगा कि हम किधर गए। हाँ, सही बात है। तो अवाम भी थोड़ी सी हमें परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि महंगाई का जो दिन है बेकाबू होता दिखाई देता है, कभी गैस के रेट बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, और फिर डॉलर जो है ऊंची उड़ान भरने लग जाता है एकदम से। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये जैसे कमर साहब ने कहा कि वक्त लगेगा, अवाम को समझ आती जाएगी तो इत्मीनानी कैफियत बेहतर होगी, बेहतर, लेकिन ये जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है या पेट्रोल या बाकी जो महंगा हो रहा है, वो इस 100 दिन का नतीजा नहीं है, वो 10 साल जो पीछे 30 साल ये उन्होंने हुकूमत की, यहाँ उसके जो असरात हैं वो अब सामने वो भुगत रहे हैं, वो भुगत रहे हैं, ठीक है। सही, तो इसलिए अभी ये जो भी उनको मौका मिलता है क्रिटिसाइज करने का, ये जो नाजायज चीजों को गिरा रहे हैं, इसके लिए आज आपके CM साहब सिंध के वो पिटिशन डाल रहे हैं कि भाई ये इसको रोका जाए, क्यों रोका जाए? सही, इसलिए रोका जाएगा, जितने भी नाजायज थे इनका भत्ता जो था वो इनकी जेब में जाता था, गवर्नमेंट की जेब में, जो कि सरकार को भी नहीं मिलता था। सही, तो जो अरबों के जो फेक अकाउंट्स निकल रहे हैं कि एक ड्राइवर के इतने पैसे निकल गए, जूस वाले का इतना पैसा निकल रहा है, ये सब ये वाले पैसे, ये अरबों रुपए अरबों के भत्ते जाते थे अरबों के, अब वो उनके हो गए हैं बंद। तो ये सारी तकलीफ हो रही है, हमदर्दी आ रही है, वो है असल तकलीफ, वो है उनको, अवाम का वो नहीं है ख्याल कि अवाम को कितनी तकलीफ थी इन तजावजात से, कि अवाम का चलना फिरना मुश्किल हो गया था, गैर सरकारी जमीनों पे दूसरों के प्लाटों पे कब्जा माफिया ने कब्जे करके प्लाजे खड़े कर दिए थे,
और एक 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 जुल्म की इंतहा थी। हर बंदे को पता है कि कितने कब्जा माफिया ने क्या क्या कुछ नहीं किया, ये क्या कुछ नहीं हुआ, और इवन आपके पानी के टैंकर्स पे कितना माफिया लगा हुआ है, भत्ता जाता है, अभी तक भत्ता जाता है। और किसी साहब ने भी तो नोट एक्शन लिया है इसके ऊपर। किसी वक्त में उस भत्ता टैंकर और दूसरे भत्ता माफिया पे टप्पी का वो था राज, अभी अधी का राज है। ये तमाम जो नाजायज एक्टिविटीज चल रही थी, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पंजाब में हो, पंजाब में देखिए ना जो आशियान हाउसिंग स्कीम और सब, तो ये सारे कानून की गिरफ्त में तो आए हैं, सामने दिख रहा है सबको, हर समाज, मुल्क जो था वो उनकी जागीर थी, जैसे जागीर के वडेरे हैं, इसको लटका दो, उसको पहिए कर दो, जिस तरीके से हुकूमत कर रहे थे, और ये सारी चीजें हो रही हैं खत्म। जब ये खत्म हो रही हैं तो इसलिए अब इनको एक जैसे कहें ना, एक आदमी को अगर आप उसकी ऑक्सीजन बंद करना शुरू करें तो सफोकेशन शुरू होती है। तो ये सब सफोकेशन में आ रहे हैं और बारी बारी सब अपनी मंतकी अंजाम पे पहुंचेंगे। और आवाम की जो इमरान खान साहब का यही कहना है, एहतसाब सबका होगा, उन्होंने तो दो टोक कह दिया कि छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। भाई उसकी बहन का विकल्प बता रहा था कि उसने कहा मैंने किसी कोई मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, जो दूसरा करो करो, जो अगर है तो है, मैं उसमें कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। ऐसा बंदा कहां से लाएंगे, समझा? तो उन्होंने कहा जो मेरी बहन है तो क्या हुआ, आप करो उसको जो मर्जी करो। अच्छा, डॉलर के बारे में कहा जा रहा है, आप लोगों का तज्जिया क्या कहता है कि डॉलर 150 की ऊंची उड़ान भरेगा? देखें ये भी एक साजिश है, एक ये भी एक बैन अल-अक़वामी साजिश है, सही समझा? और ये जानबूझ के किया जा रहा है इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। सही, ये तो होगा, कुछ ना कुछ तो वो करते रहेंगे, लेकिन वो भी वक्त आएगा जब लोग एतमीनान का सांस भी लेंगे कि जी अब हमें पता चला कि वो क्या साजिश थी और अब हम कहाँ खड़े हैं। इन्हीं के बाद को आगे बढ़ाते हुए, यही सिचुएशन थी महातीर मोहम्मद की मलेशिया में, जब पहले हुकूमत कर रहा था, उसका जो रिंगेट है वहाँ पर उसकी कदर गिर रही थी, और ये फोर्स कर रहे थे महातीर मोहम्मद को कि तुम आईएमएफ के पास जाओ और वो लेगा। उसने कहा कुछ भी हो जाएगा मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा। सही, और आवाम को सही पता, लेकिन कश्मकश में मुब्तला थे ना कि कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं, कभी जाना है। मेरी बात सुने, जब जो अदीब साहब बात कर रहे हैं ना, अब वो मिसाल सुने कि हम भी उसी मिसाल पे कायम कर रहे हैं। वही है, उन्होंने कहा कि जो हम आवाम के साथ बिल्कुल शेयर करेंगे, रुकी सुखी खा लेंगे, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। सही, और ये अमेरिकन प्रेशर था कि किसी तरीके से मलेशिया को उनका आर्म ट्विस्ट करें, वो अपनी मर्जी से काम करें। महातीर कहने लगे ये मैं नहीं करता हूँ, और विद रिजल्ट की लंबा टाइम लगा, लेकिन ही वाज एबल टू रिकवर द इकॉनमी और रिंगेट की स्टेबल कर दिया। सही, ये इमरान साहब भी उनसे बड़ा और वो रिकवर आवाम की मदद से किया, जिस तरह हमने अभी आवाम से मांगी है ना, हम कहते हैं चंदा मांग रहे हैं, कशकोल मांग रहे हैं, दिस इज नॉट अ चंदा, दिस इज हमारा फर्ज है कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने वतन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम कंट्रीब्यूट और कर रहे हैं, हम सबको ही फायदा है, सबको फायदा है, सबको फायदा है। तो महातीर साहब ने भी यही किया था कि अपने ही लोगों से कंट्रीब्यूट किया कि आप ही का मुल्क है, अपने मुल्क को उठाओ, और उस आवाम ने अपने मुल्क को ऐसा उठाया कि फिर पहले से भी ज्यादा उठ गया। सही, और ये उसी का नतीजा कि 92 इयर्स की एज में दोबारा इलेक्ट हो गए, और जो प्राइम मिनिस्टर जो घर गए उनके इमीडिएटली अरेस्ट किया, उनके घर से जो, और उनके जो मिनिस्टर के जो एंटी करप्शन जो एग्जैक्टली यही पाकिस्तान वाली हालत। मैं वहाँ उस वक्त मलेशिया में था, इत्तेफाक के बाद मैं जुमे की नमाज पढ़ने गया, तो वहाँ बेगम भी मेरे साथ थी, वो लेडीज में चली गई, थोड़ी देर में शोर हुआ क्या हुआ, जब नमाज खत्म हो गई तो मैंने कहा ये यहाँ भी कोई हंगामे होते हैं जुमे के बाद, तो उनका मैंने कहा नहीं, जब मैं उतर के सीढ़ी से आ रहा था तो देखा महातीर मोहम्मद जीत चुके थे, हलफ नहीं उठाया था भी उन्होंने, लेकिन वो वहाँ वही नमाज पढ़ने आए थे, तो दो आदमी ने उनको से पकड़ा हुआ था लेके आ रहे थे। 92 एज, लेकिन पब्लिक जबरदस्ती लेके आई, लेके आई, दोबारा आओ, तो मैं खड़ा हो गया, फिर मैंने सलाम किया, हाथ मिलाया उनसे, तो ऐसा देखा फिर चले। तो मतलब ये कि आवाम में जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो एज और सब चीजें कोई मैटर नहीं रखती, ही इज इलेक्टेड अगेन एंड ही इज गोइंग टू डू द थिंग जो काम कर। तो ये हमारे यहाँ डॉलर का जो उड़ान है, ये प्रेशर है, जैसे कमर साहब ने कहा कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो है, ये गवर्नर जो स्टेट बैंक साहब बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ इन्होंने बात की थी, अभी क्यों बैठे हुए हैं, या जो जो इस तरह के लोग आदमी, ये इन लोगों को आप हटाएंगे नहीं, तो और उसके बाद आप कहेंगे जी मुझे तो नहीं पता डॉलर कैसे बढ़ गया, तो इन लोगों को फारिग करें, अपने आदमियों को जो ट्रस्ट करते हैं, जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को, सारी दुनिया खिलाफ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये वसीम अकरम है मेरा,
ठीक है ना, तो ठीक है आप गवर्नर को हटाइए वहां से, स्टेट बैंक का जो प्रूवन कि सही आदमी नहीं, जिसने ये काम किया, इसने मिलके ये उनको बाहर से मैसेज मिला गया यार गिराओ डॉलर, 8 रुपए एकदम से झटका दे दिया। हाँ। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको काबू करें एंड वेरी सून। तो आपको क्या लगता है कि अब हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है कि हमारी पब्लिक, देखें पाकिस्तान की पब्लिक जो है ना, जितनी मोहब्बे वतन है बड़े कम लोग होते हैं। सही। जब पाकिस्तान की पब्लिक को ये एतमीनान हो गया ना कि अब जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, सही, किसी और के पेट में नहीं जा रहा, किसी और के जेब में नहीं जा रहा, हमारा हक हमें तो ये मिल रहा। अपना अपने आप को बेच के भी इस मुल्क को ऊपर उठाएंगे। जरूरत पड़ेगी, जो ये जाली अकाउंट्स में पैसे पड़े अरबों के हिसाब से और 11 अरब डॉलर बाहर पड़े हैं। जो इमरान साहब जो इतने इत्मीनान से कह रहे, कल इंटरव्यू में कल कहा कि सब इतने डॉलर आएंगे कि आपको समझ नहीं आएगी किधर से आएंगे। वो यही है कि ये पीरियड जो है इसमें नैब जो है वो सुस्ती कर रहा है, थोड़ा तेजी करे अपने काम में, और ये जितने भी चोर हैं एग्जैक्टली जो सलमान ने किया है, किंग जो है आपके सऊदी अरबिया के प्रिंस, उनको उठाया और उनको बंद किया, पैसे निकलवा लिए, वहां तो किंगडम थी वो कर लिया, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ फॉरेन डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, सब चोर बैठे हुए, सब चोर बैठे हुए, तो कोई ना कोई तरीकाकार जो रूल के अंदर रहते हुए करना पड़ेगा, इनको अरेस्ट करना पड़ेगा, अरेस्ट करके इनसे पैसे निकालेंगे तो ये डॉलर जो है वो गिर जाएगा। उन्होंने सऊदी अरब वालों ने तो 5-star होटल में रखा था ना, कल रात टीवी पे एक एंकर ने कहा, मैंने खुद उसका तजिया सुना, उन्होंने कहा ये तो कोई बड़ी बात है नहीं पाकिस्तान में, ये तो किसी बड़े एक जरदारी को पकड़ के एक SHO के हवाले कर दे, 24 घंटे में वो पैसे निकलवा के। सही बात है। हमारा SHO इतनी बड़ी ताकत है यहाँ का, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है, असद उमर साहब जो है वो कह रहे हैं कि मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की तरफ गामजन है। इस हवाले से भी हम इस सवाल पे भी बात करेंगे, मगर प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।